क्रेडिट स्कोर शिक्षा व प्रशिक्षण मॉड्यूल। नमस्ते, मेरा नाम नितिन है और मैं क्रिफ हाई मार्क से क्रेडिट स्कोरिंग विशेषज्ञ हूँ। अब जब आप क्रेडिट स्कोर और उसका महत्व जान चुके हैं, आइए हम आपको ऐसे आसान लेकिन फायदेमंद तरीके बताते हैं। एक, आखिरी तारीख न भूलें। घर या गाड़ी की मासिक किश्त की आखिरी तारीख न भूलें। साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान की अंतिम तिथि को भी सुरक्षित रखें। इन दोनों में देरी का विपरीत असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा। यदि आप पहले से ऐसे मामलों में सुस्त रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी चुस्ती दिखानी होगी। दो, बेहतर क्रेडिट उपयोगिता अनुपात। क्रेडिट उपयोगिता अनुपात का अर्थ है कि आपने खुद के लिए निर्धारित सीमा में से कितनी राशि का कर्ज लिया है। इस गणना में आपके सभी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी शामिल की जाती है। मान लीजिए कि आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं, जिनकी खर्च की सीमा 50,000 रुपए, 75,000 रुपए और 1,00,000 रुपए है और आपने तीनों से कुल 72,000 रुपए खर्च किया है, तो आपका क्रेडिट उपयोगिता अनुपात 32% होगा। 72,000 रुपए बटे 2,25,000 रुपए। कंपनियां उन ग्राहकों को प्राथमिकता देती हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 40% से कम हो, यानी यह अनुपात जितना कम होगा आपके लिए लोन लेना उतना ही आसान होगा। 3, कम कर्ज लें। अपना क्रेडिट स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कम कर्ज लें और सिर्फ जरूरत पर ही लोन लें। साथ ही पहले पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे असुरक्षित लोन का भुगतान करें और उसके बाद ही होम लोन, कार लोन जैसे सुरक्षित लोन का पैसा चुकाएं। 4, नए क्रेडिट का आवेदन मध्यम तरीके से करें। आप क्रेडिट को अत्यधिक आवश्यकता के रूप में नहीं दिखाएं। नई क्रेडिट के लिए सावधानी से आवेदन करें। 5, अपने सह हस्ताक्षरकर्ता, गारंटी शुदा और संयुक्त अकाउंट्स की निगरानी मासिक रूप से करें। सह हस्ताक्षरकर्ता, गारंटी शुदा या संयुक्त रूप से धारित खातों में हुए गलत भुगतानों के लिए आपको बराबर का जिम्मेदार माना जाता है। आपके सहधारक या गारंटी व्यक्ति की लापरवाही आपके जरूरत के समय क्रेडिट पाने के लिए आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। 6, क्रेडिट रिपोर्ट की लगातार जांच। यह आपके लिए बेहद अहम है कि अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की लगातार जांच करें और फर्क ढूंढें। यदि आपके और बैंक या संस्थान की गणना में फर्क आता है तो तुरंत उसका समाधान करें। यदि तब भी आपको गड़बड़ी लगती है तो तुरंत यहाँ क्लिक कर क्रेडिट सूचना ब्यूरो को इसकी शिकायत करें। अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हैं तो दी गई लिंक पर जाएं cir.crifhighmark.com और यदि आप क्रेडिट स्कोर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर जाएं blog.crifhighmark.com।